का सेकंड पार्ट देखा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे। एक इंडस्ट्रीज है कुछ नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक एक टॉय का कॉस्ट हमारे पास गिवन है, कितने गिवन है, कॉस्ट ऑफ द ईच टॉय, एक टॉय का हमारे पास कॉस्ट गिवन है कितना गिवन है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कितने गिवन है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, और हमारे पास टोटल कॉस्ट भी गिवन है, इसका टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, दैट इज 750, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट लाइन देखा, गोइंग विद डाइट फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट, मतलब हम इसमें ये भी निकाल सकते हैं कि कितने टॉयज प्रोड्यूस करें, तो यहां से हमारे पास कॉस्ट गिवन है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट गिवन है हमारे पास। अब मान लो मैंने कहा कि एक मेरे पास, मान लो मैंने कहा कि नंबर ऑफ पेन मेरे पास 4 है और कॉस्ट ऑफ एक कॉस्ट ऑफ वन पेन 10 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज 40। अब ये 40 कैसे आया, जब मैंने 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ पेन, और 10 क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, अब टोटल कॉस्ट का टोटल क्या लगेगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, टोटल कॉस्ट हमारे पास 750 है, और हमारे पास इस पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जब नंबर ऑफ टॉयज को हम उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज मुझे नहीं पता, तो मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ टॉयज को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, मैंने यहां से नंबर ऑफ टॉय को एक्स लेट कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आएगा, 55 माइनस एक्स, तो नंबर ऑफ टॉय कितने हैं एक्स, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितने हैं 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, तो यहां से क्या आएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 55x है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 750 है, हमने यहां से ये किया माइनस का एक्स स्क्वायर था राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, प्लस का 50x है वहां जाके माइनस का हो गया, और ये प्लस का 750 है। अब मुझे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने, वैसे तो क्वेश्चन ही करती है, बाकी भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करने की, ऐड करके क्या आना चाहिए माइनस 55 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 750, हमें ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करने की जिसको ऐड करके माइनस 55 है मल्टीप्लाई करके 750 है, और वो दो नंबर रहेंगे माइनस 25 और माइनस 30, माइनस 25 माइनस 30 माइनस 55 आएगा, और माइनस 25 को जो माइनस 30 से करेंगे प्लस का 750 आएगा, तो क्या फैक्टर बनेंगे एक्स के, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 25, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 30, क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और पूरी स्टेटमेंट से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास क्या आया कि आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 35 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई, मतलब दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25 एंड 30, तो यहां से मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज कैसे निकालेंगे, मान लो नंबर ऑफ टॉयज उसके पास 25 है, मान लो x की वैल्यू 25 है, तो कॉस्ट उसकी कितनी आएगी 55 माइनस 25 दैट इज 30, क्या पता ये आंसर हो, और क्या पता x की वैल्यू 30 हो, जब x की वैल्यू 30 होगी तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा उसका 55 माइनस 30 दैट इज 25, मतलब दो उसके आंसर आएंगे, कि जो अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 30 आएगी, जो अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 25 आएगी, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 750, जब हम नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेक कर सकते हैं 750 आएगा, ऐसे यहाँ पे जब नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट ऑफ टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे कितना आएगा 750 आएगा, यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी चेंज किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद उसको
बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें यहाँ पे x की डिफाइन करते हैं। ओके।